पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से ऐतिहासिक मतों से जीतकर सांसद बने हैं। इसके बाद उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका पहली बार भोपाल में आगमन हुआ। भोपाल रेलवे स्टेशन पर उनकी आगमानी करने विदिशा से भी बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भोपाल रवाना हुए। विधायक मुकेश टंडन के साथ में अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता भी वाहनों के माध्यम से भोपाल रवाना हुए। हम सबके लाले नेता मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री लाली बहनों के लाले भैया विदिशा के जनता के लाले गांव गरीब और किसान की चिंता करने वाले हमारे नेता भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बनकर के पहली बार भोपाल पधार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गांव-गांव से ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं बचा। यहां के कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करने के लिए भोपाल जा रहे हैं। देश के कृषि मंत्री, देश के ग्रामीण विकास मंत्री, हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का आज प्रदेश आगमन पहली बार भोपाल में हो रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। पूरे प्रदेश के लोग अपने लाडले नेता का इस्तकबाल करने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। विदिशा विधानसभा क्षेत्र के भी सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, सभी जनप्रतिनिधि भोपाल पहुंचकर शताब्दी एक्सप्रेस पर उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का वो पल होगा। और देश में किसानों के लिए भी जब से कृषि मंत्री की जिम्मेदारी आदरणीय भाई साहब को मिली है, संपूर्ण देश में किसानों में एक हर्ष व्याप्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है, ये एक संपूर्ण देश में किसी भी प्रदेश में किसानों के हित में किए गए कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य अगर किए गए हैं तो मध्य प्रदेश में किए गए हैं। आज सब मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और हम सब लोग भोपाल पहुँच रहे हैं।